एक कार, दो कार, तीन कार, सब बेकार। क्या हुआ? क्या हुआ? ड्राइवर, क्या हुआ है? गाड़ी क्यों रोकी? जी सरकार, बात यह है, कोई आदमी रास्ते पर चलते चलते बेहोश हो गया। बेहोश? ओ, जरूर कोई पीड़ित प्रसादी होगा। ड्राइवर, फौरन उसे उठाकर गाड़ी में ले आओ। नंगी भूखी जनता की सेवा करना हमारा प्रथम मानव धर्म है। बिल्कुल बेहोश है, मालूम होता है कि कई दिनों से भूखा है बेचारा। हो सकता है किसी के प्रेम का मारा हो। मुझे तो कोई उठाई गिरा लगता है। ड्राइवर, जल्दी चलो, सीधे अस्पताल चलो। ऐसा गजब न कीजिएगा जी, ऐसा गजब न कीजिएगा। ये डॉक्टर लोग बात बिन बात ऑपरेशन कर देते। हाँ जी। तो तुम बेहोश नहीं थे?
सिर्फ चलते चलते थक गया था और जेब में रेल का किराया नहीं था। ड्राइवर गाड़ी रोको। झूठे पाखंडी पापी नीचे उतरो। जैसी आपकी मर्जी, मगर अभी अभी तो आप अच्छे खासे थे। क्यों जी, इन महाशय को दौरा तो नहीं पड़ता? खामोश, अब तरीज कहीं का जानते हो किससे बात कर रहे हो? सोना चलता माना। जाओ, तुम हमारी दया के योग्य नहीं। अगर जीवन सुधारना चाहते हो तो आज से प्रतिज्ञा करो कि झूठ नहीं बोलोगे, धोखा नहीं दोगे, हमेशा सच बोलोगे। ये आपने उल्टा ही कहा। झूठ बोलने से तो बढ़िया कार में बैठने को मिलता है, नाजुक नाजुक हाथों से ओडिकोलोन लगाया जाता है, और सच बोलने पर फिर वही जूतियां चटकानी पड़ती हैं सेठ जी। चलो ड्राइवर गाड़ी चलाओ, यहाँ भी तो मुझे कोई 420 मालूम होता है। सेठ सोनाचंद धर्मानंद, अगर मैं 420 हूं ना तो याद रखो तुम भी। बॉम्बे 420। चल बेटा जापानी। जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। पढ़ते जाएं हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। ऊपर लहर चले जीवन की, लहर चले जीवन की। नादा है जो बैठ किनारे पूछे राह वतन की, पूछे राह वतन की। चलना जीवन की कहानी रुकना मौत की निशानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे, बिगड़े दिल शहजादे। हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करें इरादे,
जब जब करे इरादे। सूरत है जानी पहचानी, दुनिया वालों को हैरानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। क्यों भाई, तुम्हारे बंबई में सब बहरे बसते हैं क्या? बंबई में सब बहरे बसते हैं क्या? बहरे भी और अंधे भी, इनके कान कुछ नहीं सुन सकते सिवा रुपयों की झनकार के। ये बंबई है मेरे भाई बंबई, यहाँ बिल्डिंगें बनती हैं सीमेंट की और इंसानों के दिल पत्थर के। यहाँ एक ही देवता पूजा जाता है और वो है पैसा। मगधरा सामने से हटके खड़े हो, मेरे भाई धंधे का टाइम है माई। धंधा यानी कि काम ना है? काम, कामी की तलाश में तो मैं इलाहाबाद से यहाँ चल कर आया हूँ। क्यों भाई, तुम्हारे शहर में पेट भरने के लिए क्या करना चाहिए? जो मैं करता हूँ, भीख मांगनी चाहिए। नहीं, कोई काम बताओ मुझे, काम बताओ। तो सोचना पड़ेगा, कुछ पढ़ा लिखा है? जी ये पास हूँ, सच कहता हूँ। ये देखो मेरी डिग्री, साथ साथ ये फिरता हूँ मैं, ये देखो, ये देखो। ईमानदार हो? सच्चाई और ईमानदारी का सबसे पहला इनाम मुझे मिला है, सोने का मेडल, ये देखो। जवान हो, मेहनत कर सकते हो? डबल जवान, 24 घंटे दिन में काम कर सकता हूँ, कोई करा के देख ले। तो तुम्हें काम नहीं मिल सकता। काम नहीं मिल सकता? पढ़े लिखे ईमानदार मेहनती जवान को काम नहीं मिल सकता? क्यों नहीं? इसलिए कि ये बंबई है मेरे भाई बंबई, बड़ा शहर। यहाँ सच बोलकर पेट भरने का रास्ता ढूंढने से नहीं मिलता, और झूठ बोलकर पैसे बनाने के रास्ते हैं 420। थैंक यू बॉस, थैंक यू। आज मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। तुम भाई केले क्या भाव दिए हैं? हाथ निकला दुरन बोल, आठ आने दर्जन, सूटे गए थे तो दो आने थी तीन। अपने पल्ले कुछ नहीं पड़ा मैडम। आठ आने का दर्जन, छुट्टा लेगा तो दो आने का तीन। दो आने के तीन? ची। ना बाबा ना, तीन आने के दो। तीन आने के दो? अरे फोकट का माल है, धंधा कैसा चला है? महीने का होएगा तो दो आने का तीन लियो, ना तो चला लगा बगो। ऐसा क्या करती है, सोच लीजिए ना, तीन आने के दो। नको, लेने का है तो दो आने का तीन लियो, नहीं तो जाओ। तुम्हारी मर्जी, फिर सोच लो। दो आने के तीन और तीन आने का दो। अरे इधर आओ, तुमको तीन आने का दोन मांगता है ना, ले लो। ये बात हुई ना, वाह। लेकिन पैसे उसका तो मैंने बंदोबस्त ही नहीं किया। खैर फिर कभी सही, लेकिन लूंगा तीन आने के तो, याद रहे। ए ले, पैसा फिर दे। ले ले, अरे ले ले। और अगर मैंने पैसे ना दिए तो? हम समझेंगे हमारे बेटे ने खाया। जा जा जा। कितना बड़ा है तुम्हारा बेटा? तुम्हारे ओडा जी, तुम्हारे सरकार। थैंक यू लेडी केले वाली, धन्यवाद। एक बात बोलूं, बुरा तो ना मानो,
तुम केले वाली नहीं दिल वाली हो, दिल वाली लेडी केले वाली। थैंक यू, तुम्हारे तीना ने मुझ पे उधार रहे। का बोला है पुरगा, जैसे यड़ा जैसे यड़ा। केला खाएगा? चले बजा। मगर देख छिलका संभाल कर फेंक, कितने ही बेवकूफ होते परवाह नहीं करते। बस केला लिया, छिलका उतारा है? और यूं सड़क के बीचों बीच फेंक दिया। जाहिल गमार अनपढ़ कहीं के, केला खा के छिलका फेंकने की भी तमीज नहीं। क्या बदतमीजी, ये बंबई है मेरे भाई बंबई, यहाँ दूसरों को गिरता देखकर सब हंसते हैं मगर जब खुद गिरते हैं तो हंसना भूल जाते हैं। बाबा तुम भी ठीक कहते हो मेरे भाई। मगर ये तो बताओ, यहाँ आसपास में कोई ऐसी दुकान है जहाँ पुरानी चीजें बेची या खरीदी जाती है? वो देखो रद्दी वाले की दुकान जहाँ हर चीज बेची और खरीदी जाती है। खुदा हाफिज। क्यों विद्या बेटी, अपनी इयररिंग वापस लेने आई है? नहीं रद्दी वाला काका, अब तो ये चूड़ियां भी बेचने आई है। क्यों मको, तुम्हारे स्कूल की हालत फिर बहुत खराब हो गई? अच्छा जाओ कैशियर से 30 रुपए ले ले, 50 रुपए ले ले। अरे ये क्या करती, अपने पास रख, जब तेरे पास पैसे हो मुझे दे जा। न जाने वो दिन कब आएगा, और आएगा भी या नहीं। जी जी, ऐसी दिल तोड़ने की बात क्या करती है बेटी। देखना एक दिन कोई बिगड़ा दिल शहजादा कहीं से घूमता घामता आएगा, खूबसूरत नेक मालदार, और तुझ जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर एकदम चकाचौंध हो जाएगा, और फिर तुझे ब्याह के ले जाएगा इंशाल्लाह, और फिर इससे कहीं ज्यादा अच्छे जेवर गहनों से तुझे लाद देगा, और फिर तू एक साथ सारे पैसे मुझे वापस कर देना, समझी? जा अब तो खुश है, या पैसे ले ले, अपने बाबा का सलाम बोलना, और बोलना मैं जुम्मा के दिन मिलने को आऊंगा। हाँ बाबा तुमने सुन जो ये थे, क्या मांगता है साहब आपको, क्या दिखाऊं? मुझे कुछ खरीदना नहीं है, बेचना चाहता हूँ। और तो वास्ता खुला, जिसको देखो बेचने को आता, खरीदने को आता ही नहीं, क्या बेचने का है आपको? ईमान बेचना चाहता हूँ। ईमान है? क्या बोलता है? जी मैं ईमान बेचना चाहता हूँ, ये देखिए, ये है मेरा ईमान। राष्ट्रीय अनाथ आश्रम, सच्चाई और ईमानदारी के लिए पहला इनाम राज इलाहाबाद। जी आप इस ईमान की क्या कीमत लगाते हैं? जब ईमान बिक गया तो जिंदगी में राहत थी। जी मुझसे कुछ कहा? जी जी नहीं। अच्छा रद्दी वाला काका मैं जाती हूँ। हुदा हाफ़िज़। ए मिस्टर, तुम्हारे को अपना ईमान बेचने का कि गिरवी रखने का है? चाहता तो था कि इसे बेच ही दूँ, हमेशा के लिए इसे छुटकारा। लेकिन खैर इस वक्त आप इसे गिरवी ही रख लीजिए, फिर किसी वक्त काम आएगा। 40 रुपए मिलेंगे, 50 देकर अपना ईमान वापस ले जा सकते हो। थैंक यू मिस्टर रद्दी वाले, अब देखते जाओ इस 40 रुपए से किस तरह तुम्हारी सारी बंबई को खरीदता हूँ। थैंक यू। सब लोग एक इरादे से मुंबई आता है, लेकिन मुंबई को कोई नहीं खरीद सकता, मुंबई सबको खरीद लेती है और अपना काम निकाल कर किसी रद्दी वाले की दुकान में फेंक देती है। खाओ पीताओ तो कोई भी लगाओ, कोई एक रुपये एक का दो, जान की बाजो रक्कल का काम, कोई भी लगाओ कोई भी लमिटर की बाजो
4 रुपए मेरी ध्यान की बाजू रखल का काम ना बोला चार रुपए हार गया देखो कोई भी देख सकता देखने को पैसा ना कितने में इसके ऊपर 2 रुपए कितना बोला 2 रुपए हार गया साहब देखो कोई भी लगा कोई भी ध्यान की बाजू रखल का काम दिखाओ उनको बराबर दिखाओ देखो ये देखो देख सकता मिस्टर देखने को पैसा ना लगता कितने लगता 5 रुपए कितना बोला साहब 5 रुपए इधर है पैसा है मेरे पास पैसा बता मैं देता हूं पैसा बता इसके ऊपर 5 रुपए पैसा बता ऐसा थोड़ा मिलता मिस्टर वो पत्ता खेलने इधर पैसा बता मेरे पैसे पैसा बताओ साहब मेरे पैसे किसने मार लिए तुम लोग सब बदमाश हो 400 धोखा देते हैं शरीफ आदमियों को शर्म तो नहीं आई मेरी जेब काटते हुए रात भर के लिए मैं यहाँ सो जाऊं तो कोई हर्ज है पगड़ी दे सकते हो पगड़ी कैसे दे सकता हूँ मैं तो रूसी टोपी पहनता हूँ रूसी टोपी पहनता पगड़ी नहीं समझते पगड़ी यानी नजराना यानी पैसा पैसा 3 रुपए पगड़ी देकर जगह मैंने ली है 1.5 रुपया निकालो आधी तुम ले लो जल्दी करो निकालो 1.5 रुपया फुटपाथ पे सोने के लिए 1.5 रुपया हाँ 1.5 रुपया और नहीं तो क्या अरे बंबई शहर में तो फुटपाथ पर भी सोने के लिए पगड़ी देनी पड़ती है और फिर ये फुटपाथ एकदम नरम बिल्कुल पेशल ठीक सेठ सोनाचंद धर्मानंद के महल के नीचे वो देख सोनाचंद धर्मानंद हाँ सेठ सोनाचंद धर्मानंद जब वो खाने पर बैठते हैं और उधर की हवा चलती है तो वो खुशबू आती है निकाल 1.5 रुपया आज तो मेरे पास जहर खाने के लिए भी पैसा नहीं है मेहरबानी करके मुझे आज की रात यहीं सोने दीजिए फुकट में बाप का कसम तक का है क्या अजी आप बाप तक क्यों पहुंचते हैं चुप हम खा नाराज क्यों हो रहे हैं अगर मैं यहाँ रात सो जाऊं आप क्या कर सकते हैं मेरा बताइए कहाँ सोने चला रहे बड़ा जी हाय मैं पूछता हूँ क्या ये फुटपाथ आता है क्या तेरे बाप का फुटपाथ अरे अरे भाई इसके बाप के फुटपाथ है भाई तेरे बाप के फुटपाथ है ये तो अपने माय बाप सरकार का फुटपाथ है हेलो लेडी केले वाली हेलो अरे अरे तू देख ना कुनकर आलस पर अरे तुम इकने कैसे आया ए, क्या घोटाला है कोई घोटाला नहीं लेडी केले वाली चलते चलते थक गया था सो यहाँ आराम करने बैठ गया ये भाई लोग मेरी खातिर तवाजो कर रहे थे मार लगा तुला कारे ले जाओ मस्ती आने का तुम्हारा भारत का तो पोरा ना हाँ हलकटन हो तुम्हारे गई तुम अरे वाह मार्जेट मैंने पोरा करके लागले काय तुला लागले कुठे राहतोस तू किधर रहता तुम किधर रहता किधर झोपता है कहीं नहीं और जो कहीं नहीं रहते वो कहाँ रहते इधर इधर माझा जवर अपने माय बापाच्या फुटपाथ वर अरे फजलू गणो अरे मुरली इकडे ऐका समजानी हे आपलं पोरग आहे हा ह्याला समजानी नीट सांभाळायचं हा फाजिलपणा करायचं अरे चाय लाना और साथ में भजिया भी हाँ हरा मिर्चा नहीं बोला माफ करना हमने तुमको एक चपत मारा था भाई हो ही जाती है ऐसे मामलों में घबराओ मत गंगा माई के बच्चे सब आपस में भाई भाई के बराबर ठीक बोला ठीक मैं भी तुम्हारा भाई है मगर तुम्हारा नाम क्या है राज अरे वाह सुना गंगा माई सुना मैं कहता ना था कि एक दिन हम भूखे नंगों का राज जरूर आएगा तो देख आ गया
हाँ तो भाई राज, काम क्या करते हो? काम ढूंढता हूँ। कितना बड़ा काम? मालूम होता है नए नए आए हो, तभी तो काम ढूंढते हो, नहीं तो हमारी तरह मजे उड़ाते हो उस्ताद। क्यों, क्या काम करते हो तुम? बेकार। बेकार। अपनी राम कहानी तो एक ही शब्द में खत्म हो जाती है भैया, बेकार। खैर कुछ अपनी सुनाओ, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, क्या इरादे? हाँ भाई, अगर इस बिरादरी में रहना है तो कुछ हमारी सुनो और कुछ अपनी सुनाओ। कोई मजेदार बात सुना ना। हाँ, अपना दिल बहुत दुखेला है। सुना सुना सुना। हाँ हाँ सुनाओ। हाल सुने दिल वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला, अज दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा, ओ छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा, रंजो गम बचपन के साथी, आंधियों में जली जीवन बाती, भूख ने है बड़े प्यार से पाला, दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। हाय करूं क्या सूरत ऐसी, गांठ के पूरे चोर के जैसी, हाय करूं क्या सूरत ऐसी, गांठ के पूरे चोर के जैसी, चलता फिरता जान के, एक दिन बिन देखे पहचान के, एक दिन बांध के ले गया पुलिस वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। बूढ़े दरोगा ने चश्मे से देखा, बूढ़े दरोगा ने चश्मे से देखा, आगे से देखा, पीछे से देखा, ऊपर से देखा, नीचे से देखा, बोले ये क्या कर बैठे घोटाला, हाँ ये क्या कर बैठे घोटाला, ये तो है थानेदार का साला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। अभी आजाद नहीं मैं, खुश मगर आबाद नहीं मैं, गम से अभी आजाद नहीं मैं, खुश मगर आबाद नहीं मैं, मंजिल मेरे पास खड़ी है, पाँव में लेकिन बेड़ी पड़ी है, टांग अड़ाता है दौलत वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। ओ, 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 ओ,
मगर ये किसी से न कहना, दिन के गले के सहारा न बहना। सुनना मगर ये किसी से न कहना, दिन के गले के सहारा न बहना। बिन मौसम मलहार न गाना, आधी रात को मत चिल्लाना, वरना पकड़ लेगा पुलिस वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला। अवलदार साहब, रात मेरी बीवी से मेरा झगड़ा हो गया अवलदार साहब, उसने मुझे घर से निकाल दिया, इसलिए यहाँ आ गया सोने के लिए। आप तो जानते हैं आजकल की औरतें बिल्कुल मर्द हैं अवलदार साहब। चलो निकलो यहाँ से, ये कौन सोने की जगह? चलो 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 यहाँ से। जाओ जाओ। नया मालूम करता है पागल कहीं का। ए, ये क्या कर रहा है? देखते नहीं अवलदार साहब क्या कर रहा हूँ? ये सर का बल क्यों खड़ा है? सच्ची बात तो ये हवलदार साहब की इस औंधी दुनिया को सीधा देखना हो तो सर के बल खड़ा होना पड़ता। जानते हैं हवलदार साहब, बड़े बड़े नेता सवेरे उठ के 30 शासन करते हैं, तब देश को सीधा कर पाते हैं। जी अभी कोई गड़बड़ नहीं करना, नहीं तो मैं तुम्हें सीधा कर दूंगा, समझे? हवलदार साहब, सर पे खड़ा होना कोई जुर्म है क्या? चुप। तुम लोग जाओ, स्कूल की तैयारी करो। अजी माफ कीजिएगा। दीदी देखो, तुम्हारा इसने घर तोड़ दिया। कुछ लोग होते ही ऐसे, घर बनाना नहीं जानते, गिराना जानते, ईमान बेचते हैं और पाप मोल लेते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? दूर मरना चाहिए। आप ठीक कहते। अरे घबराओ, बचो, अरे रुक जाओगे। अरे देखो, अरे घबराओ, देखो, अरे रुक जाओगे। देखो,
जान दे रहे थे, क्यों आत्महत्या कर रहे थे ना? जी मैं आत्महत्या? हाँ हाँ आत्महत्या यानी खुदकुशी। ओह खुदकुशी जी, वो मैं खुदकुशी? आप ही ने तो कहा था मुझे ऐसे आदमी को पानी में डूब मरना चाहिए। वो तो मैंने यूं ही, मेरा मतलब है मुझे माफ कीजिए, आई एम सॉरी। आपने ठीक ही कहा, मुझे ऐसे आदमी को डूब मरना चाहिए। मगर आत्महत्या करना पाप है, जुर्म है। अब तो तुम खुदकुशी नहीं करोगे? क्यों नहीं करूंगा, जरूर करूंगा। जब और सब पाप कर लिए तो यही क्यों रह जाए? आपने मुझे पानी में डूबने से बचा लिया तो क्या? मगर सुनो सुनो, मैं तुम्हें खुदकुशी करने नहीं दूंगी। कैसे नहीं करने देंगे? जब मैं अपनी जान देने पर तुला हूँ आप मुझे कैसे रोक सकती? मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें पकड़वा सकती हूँ। पुलिस? पुलिस 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 पुलिस। देखो देखो ये आदमी। ए क्या गोल माल है? माल तो है हवलदार साहब, गोल करना जरा टेढ़ी खीर है। ये आदमी ये अभी अभी मैं बताता हूँ हवलदार साहब, आप जरा इधर आइए आइए आइए। हवलदार साहब ये वही है। कौन? तुम्हारी घरवाली? जी हाँ बिल्कुल वही है। सूरत से तो बुरी नहीं लगती। इसकी सूरत पर मत जाइए हवलदार साहब, मीठी छुरी है, मीठी छुरी। नाक में दम कर दिया है मेरे, अभी अभी समंदर में कूद पड़ी, बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला है। कहती है कि मैं भी डूबूंगी और तुम्हें भी ले डूबूंगी। अब कहता हूँ कि भाग्यवान घर चल, तो नहीं जाती। ये बात है? हाँ जी अभी इससे ठीक किया देता। बड़ी कृपा होगी माई बाप सरकार, बस ये समझ लीजिए कि मेरा घर बस जाएगा। ए, ए, क्या? चलो जाओ। कहाँ? अपने घर। ए, तुम ही चलो। जो हुक्म हवलदार साहब, मैं तो ताबेदार हूँ आपका। ए जी अब चल भी दो, गुस्से को थूक डालो जी। क्या क्या कह रहे हो? नहीं जाती। तुम कौन होते मुझे हुक्म देने वाले? सुन लिया हवलदार साहब, मैं कौन होता हूँ हुक्म देने वाला? हाँ 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 अब आप ही ने बताइए कि मैं कौन होता हूँ। चुप के घर जाओ, नहीं तो तुम्हें चौकी ले जाना पड़ेगा। चौकी? क्यों, मेरा जुर्म क्या है? आत्महत्या। अभी तुम पानी में नहीं कूदी थी? वो तो मैं इसे सुना हवलदार साहब, वो तो दरअसल मुझे बचाने के लिए कूदी थी। मैं कुछ सुना नहीं चाहता, जाओ अपने घर। अरे तुम भी चलो। क्या बच्चों की तरह लड़ते हो, पति पत्नी के झगड़े हर घर गृहस्थी में होते हैं, मगर शरीफ औरतें इस तरह अपना घर छोड़कर नहीं चली जाती। तुम लोग नए जमाने के हो, औरत घर की लक्ष्मी है, घर की शोभा है, तुम लोग क्या समझो? हिंदुस्तानी लड़कियों का धर्म है अपने पति को देवता मानना चाहिए, अपने पति की सेवा करना चाहिए। यही मेरा घर, अब आप लोग जाइए। फिर घर में मचा जो अपना घर बसाओ। वो क्या देखता है, लेके जाओ उसको। शर्म नहीं आती? अभी तक मेरा पीछा कर रहे हो, बड़े बदतमीज हो जी। आपको डूबने से बचाया, घर तक पहुंचाया, ये बदतमीजी है क्या? हाँ 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 हाँ। कौन? विद्या, क्या हुआ? मर गई पिताजी। पिताजी ठहरिए, अभी आपकी शिकायत करता हूँ मैं। आप अंदर नहीं जा सकते। वाह, मैं क्यों नहीं जा सकता? ये मेरा घर, मैं आपके पिताजी से मिलना चाहता हूँ। नहीं जा सकते। ये किससे झगड़ रही है? मुझसे पूछिए पिताजी, ये मुझसे लड़ रही थी। कौन हो तुम? पिताजी ये है, ये मैं हूँ श्री रणबीर राज, और ये है मेरे पिताजी पंडित ओंकार नाथ शास्त्री। नमस्ते पंडित जी। जीते रहो बेटा। कहो तुम। पिताजी ये समंदर में? जी समंदर में, बिल्कुल समंदर में। यही तो मैं आपसे कहने आया था कि आप अपनी सपुत्री को समझाइए कि यूं गहरे पानी में ना कूद पा करें। आप चुप रहिए, मैं बात कर रहा हूँ। ये तो आपके अच्छे कर्म से पंडित जी, चुप रहिए कि मैं वहाँ मौजूद था, वरना पंडित जी लेने के देने पड़ जाते अगर मैं पानी में कूद कर इनको बचाना चाहता। जी मगर पिताजी मैं पानी में जो अपनी जान से नहीं खेला करते हुए। अजी यही तो मैं इनको समझाता आ रहा हूँ पंडित जी, हमारी जान जो है ये भगवान की देन है, इससे लापरवाही करना ना शुक्रापन है। लेकिन पिताजी असल में तो ये खुद देखिए, पहले आप ये गीले कपड़े बदल आइए, बहस बाद में कर लीजिएगा, तब तक मैं यहीं बैठता हूँ। मौसम वैसे ही खराब है, जरा सी देर में नजले से नमोनिया हो जाता है। सच तो कहता है, जाजा गीले कपड़े उतार डाल, और हाँ मेहमान के लिए एक प्याली चाय बनाना। बैठो बैठो जी, संभल के। धन्यवाद हो बेटा, तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। ले देखे दुनिया में एक ये बेटी ही है। जी ये तो मेरा फर्ज था, मगर इस कलयुग में कौन किसकी मदद करता है?
तुम तो अपनी जान पर खेल कर इसे बचा लाए हो। समंदर में कूद पड़ना मेरे लिए बड़ी मामूली बात है, दो चार मील तो एक ही सांस में तैर जाता हूँ। अफसोस तो मुझे इस बात का है पंडित जी कि मेरा ये कीमती सूट भीग कर खराब हो गया। अरे विद्या जल्दी चाय ले आ, कहीं बेचारे को सर्दी ना हो जाए। बड़े हसमुख हो तुम। आपने तो खामा खा तकलीफ की। चाय गरम, जरा संभाल कर पीना। सुना है झूठ बोलने वाले की जबान जल जाती है। क्या हुआ बेटा, जबान जल गई क्या? जी नहीं, दिल जल गया। बड़े हसमुख हो तुम। अरे विद्या जल्दी कर, तेरे बच्चे तेरी राह देख रहे होंगे। बच्चे? हाँ, अभी तो सिर्फ 50 ही हैं। 50? अच्छा पिताजी मैं चली। छोटा सा ही स्कूल है हमारा। स्कूल? हाँ। स्कूल? हाँ, जब से भगवान ने टांगे भी मुझसे ले ली, विद्या बेटी ही अकेली स्कूल को चलाती। बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, गरीब इलाका है ना। माफ करना बेटा, आज हमारे यहाँ तुम्हारी खातिर करने को कुछ भी तो नहीं। देखो तो, मेहमान को बिठाने के लिए घर में कोई ढंग की कुर्सी भी तो नहीं। हा? क्या बात करते हैं पंडित जी? जी 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 जी, आपके यहाँ का फर्नीचर तो फर्स्ट क्लास फर्नीचर है जी। अरे चोट तो नहीं लगी? आप फिक्र मत कीजिए पंडित जी, दरअसल आपकी कुर्सी का कोई कसूर नहीं, मेरा वजन ही कुछ बढ़ गया। बीचक दाना बीचक दाना, दाने ऊपर दाना, इंचक दाना बीचक दाना, बीचक दाना, दाने ऊपर दाना, इंचक दाना। छज्जे ऊपर लड़की नाचे, लड़का है दीवाना, इंचक दाना। छज्जे ऊपर लड़की नाचे, लड़का है दीवाना, इंचक दाना। बोलो क्या क्या? बोलो ना।
ईचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना ईचक दाना बीचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना ईचक दाना चाले वो चल कर दिल में समाया खा पी गया वो किया है सफाया तुम भी देखो बच कर रहना चक्कर में न आना ईचक दाना तुम भी देखो बच कर रहना चक्कर में न आना ईचक दाना तो क्या? हम दीदी हार गई ना तो इस खुशी में तुम सबको छुट्टी वापस आ मैं कहती हूँ वापस आ नहीं तो मैं एक एक को ठीक कर दूंगी बदतमीज जाहिल गवार कहीं के तुम्हें क्या हाल था बच्चों को छुट्टी देने का जी जी ऐसा क्या गजब हो गया खेलने कूदने दीजिए बच्चों को खेलने कूदने दो जैसे बेकार आवारा अनपढ़ खुद हो वैसे इन बच्चों को बनाना चाहते हो बेकार आवारा आप ठीक कहते अनपढ़ यही मेरी बदकिस्मती है देवी जी कि मैं अनपढ़ नहीं अगर ऐसा होता तो कम से कम टोकरी ढो सकता था स्टेशन पर हमाली कर सकता था मगर क्या करूं मैं ग्रेजुएट हूं बीए पास एक और झूठ जरा अपना हुलिया तो देखो कॉलेज के पढ़े लिखे ग्रेजुएट की ये सूरत होती है खा गई ना आप भी कपड़ों से धोकर अगर आज मैं एक बढ़िया सूट पहने शानदार गाड़ी में बैठकर यहाँ आता तो शायद आप मुझे बदतमीज जाहिल गवार न कहते इसमें आपका कोई दोष नहीं देवी जी जिस दुनिया में आप रहती हैं वहां इंसान के दिल और दिमाग की नहीं उसके कपड़ों की इज्जत होती है शार्क स्किन के सूट सिल्क की कमीजें और जॉर्जेट की साड़ियों की इज्जत होती है ये बात नहीं हम लोग खुद कोई अमीर नहीं तुम देख सकते हो ये सारी बस्ती है गरीबों की यही तो दुख आज गरीब भी गरीब को नहीं पहचानता मेरी जापानी हालत देखकर आपको मेरे पढ़े लिखे होने का भी यकीन नहीं इसलिए तो अपनी डिग्री साथ साथ लिए फिरता हूं ये देखिए मैं वाकई बीए पास हूं ग्रेजुएट हूं ये देखिए मेरी डिग्री देखिए माफ करना मैंने तुम्हें गलत समझा मगर ये समझ में नहीं आता तुमने अपनी ये हालत क्यों बना रखी है ये मस्खरों जैसी हरकतें क्यों करते हो इसलिए देवी जी कि इस औंधी दुनिया को सीधा देखना हो तो सर के बल खड़ा होना पड़ता या ये समझ लीजिए कि दुनिया को हंसाने खुश करने के लिए मैंने अपने मुंह पे ये नकली चेहरा लगा रखा और सच पूछिए तो दिल का दर्द और आंखों के आंसू छुपाने के लिए ये बेवकूफ मस्करे का फेस बड़े काम की चीज है ठहरो ठहरिए पंडित जी घर में सुनिए मैं कुछ मदद कर सकती हूँ थैंक यू विद्या देवी जब मदद की जरूरत होगी मैं खुद ही आ जाऊंगा लेकिन इस वक्त तो मुझे अपनी मदद खुद करने दीजिए इस शहर में मुझे कुछ करना है कुछ बनना है क्या और कैसे जैसे भी जिस ढंग और जिस रास्ते से होगा लेकिन थोड़े दिनों में आप देखिएगा मेरी जेब में पैसे होंगे मेरे बदन पर एक बढ़िया सूट होगा इस शहर में मेरा नाम होगा इज्जत होगी लोग मुझे धुतकारेंगे नहीं जय जयकार करेंगे जय जय बम्बई निवासियों को मेरा प्रणाम हिंदू को राम राम मुसलमान को सलाम क्रिश्चियन को गुड मॉर्निंग और सरदार जी को सत श्री अकाल आप सब जानते हैं कि मेरे आदर्श में
धर्म और राष्ट्र शांति का कितना ऊंचा स्थान है। मुझे देखिए, मेरे वस्त्रों को देखिए, टोपी से लेकर चप्पल तक जो कुछ मैं पहनता हूँ वो स्वदेशी है। मेरी तरफ देखिए, मेरे लिबास का मुआयना कीजिए। मेरे जूते हैं जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। समझे ना भाई लोग, आज सारे संसार के सामने जो कठिन समस्याएं हैं उनमें सबसे बड़ा सवाल है रोटी का। आप समझे ना, रोटी यानी चपाती, नान भाकर खानी, इडली डोसे मीट भाकर, किस नाम से भी पुकारिए, दुनिया में रोटी से बढ़कर प्यारी चीज कोई नहीं। क्यों भाई? हाँ है, रोटी से भी बढ़कर इंसान के लिए जरूरी चीज है उसकी आत्मा, उसके मन की शांति। और मन की शांति मिलती है पेट भरने से। क्यों भाइयों, झूठ कहता हूँ? हाँ, झूठ कहता है जो कोई धर्म को, आत्मा को, श्रद्धा को झुठलाता है और उसके बदले में ये रोटी का नया और जहरीला धर्म फैलाता है। हाँ तो भाइयों, जिन्होंने रोटी खानी हो इधर आ जाए और हवा खाने वाले उधर चले जाए। सजनों, देवियों, ठहरो, सुनो, इतिहास तुम्हें पुकार रहा है, समय तुम्हें ललकार रहा है और मैं तुम्हें, अरे ठहरो, सुनो, मुझको सुनो, मैं आओ आओ रोटी के प्रेमियों, तुम्हारे पेट के सवाल का जवाब मेरे पास है, मगर सबसे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, रोटी खाने के लिए किस चीज की जरूरत है? पाश मेरे भाइयों, मगर पैसे से भी बढ़कर एक चीज की जरूरत है। पैसे बिना रोटी चुरा कर खाई जा सकती है, भीख मांग कर, धोखा देकर, झूठ बोल कर रोटी खाई जा सकती है, मगर जिस चीज के बिना कोई रोटी नहीं खा सकता वो है दांत। दांत 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 यानी के दांत, समझे ना भाई लोग, दांत। अगर आपके दांत मजबूत नहीं है तो आप रोटी को चबा कर नहीं खा सकते, और अगर आप चबा कर रोटी नहीं खाएंगे तो आपको बदहजमी होगी, आप बीमार होंगे, कमजोर होंगे, और अगर आप कमजोर होंगे तो काम कमजोर होगी, और अगर काम कमजोर होगी तो दुश्मन हमारे देश पर कब्जा कर लेंगे, हम फिर गुलाम बना लिए जाएंगे। इसलिए अगर आप भारत की आजादी को कायम रखना चाहते हैं, अपने काम को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो अपने दांतों की हिफाजत कीजिए, उन्हें रोज सवेरे मेरे इजाद किए हुए चांद सूरज मंजन के साथ रगड़ के साफ कीजिए। ये मंजन आपके दांतों को चांद और सूरज की तरह रोशन कर देगा। एक शीशी के दाम है चार आने, सिर्फ चार आने भाइयों। मंजन बेचने वाला निकला ना 420। चिरांजी लाल, तुम्हारे दांत भी तो बड़े गंदे रहते हैं, क्यों नहीं तुम भी मंजन की एक शीशी खरीद लेते? जी 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 महाराज, जी महाराज, बताइए ये मंजन किस चीज से बनाया है तुमने? इसमें पीसी हुई हड्डियां तो नहीं है? नहीं नहीं, इसमें पिसे हुए कोयले और चौपाटी की खालिस रेत के सिवा और कुछ नहीं है जी। सुना तुम लोगों ने, इस 400 फीस ने हम लोगों को धोखा दिया है। मंजन की जगह रेत बेचता है, हमारी आंखों में धूल जोड़ता है, मंजन की जगह रेत बेचता है। अरे सुना तुम लोगों ने, मारो मारो। दर्द नहीं होगा, आई हुई है तो आई। अरे गए थे सच बोलने की औलाद आई। अरे 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 बस करा, झाड़न करल कोरला। अरे बाबा क्या गड़बड़ घोटाला है, मेरे को भी बोलो। घोटाला क्या गंगा माई, चौपाटी पे मंजन की जगह रेत बेच रहा था भाई। लोगों ने वो ठुकाई की, वो ठुकाई की, तबीयत खराब कर दी। मेलन हो बस, तुम ऐसा खोटा काम काहे को करता है? तुम्हें बताओ गंगा माई मैं क्या करूं? अभी तो तुम पहले ये पियो गरम गरम, लो हम 2-4 दिन इकड़े आराम करो अपना घर में। फुटपाथ बोल, फुटपाथ गंगा मैया, घर किधर है? अरे यार मारता ये लग ले,
अरे फुटपाथ मेरा है, घर भी मिलेगा। अच्छा मेरा राजबाबू एक बात तो बताओ, तुम तो पढ़े लिखे आदमी हो, क्या ऐसा नहीं हो सकता ये हमारी माई बाप सरकार हम लोगों के लिए छोटे छोटे घर बना दे? छोटे छोटे हो सकता है, हम जैसों के भी घर होंगे, लेकिन किराया देने के लिए भी तो पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आए? इसलिए घर से पहले हमें नौकरी चाहिए, काम चाहिए। अरे यार काम भी कोई काम का हो, अभी तुम देखो, हाँ अपन एक लॉन्ड्री में काम करता था, दिन रात मेहनत करता था, मालिक अपने को 45 रुपया पगार देता था, उसमें से 20 रुपया काट लिया, क्यों? कि जरा सा मेन साहब का एक फराक जल गया, ये भी कोई इंसाफ है? अपन तो नौकरी छोड़ के आ गया। चुकता कर गए तुम लगा लगाया काम छोड़ा, अपने से ये झिकझिक ही नहीं होता यार। इसका मतलब तुम उस काम पे वापस नहीं जाओगे? अरे अपन तो कोई नया ठिकाना ढूंढ लेंगे। ठीक है, कहाँ काम करते थे तुम? वही पारसी बाजार में, जय भारत लॉन्ड्री। पारसी बाजार, जय भारत लॉन्ड्री। पहले किसी लॉन्ड्री में काम किया है? जी जी हाँ, इससे पहले मैं सनलाइट सोप कंपनी में, मेरा मतलब है जी सनलाइट लॉन्ड्री में काम करता था, मद्रास। वो कपड़े धोता हूँ कि वाह वाह वाह, मैं खुद कैसे तारीफ करूं। स्त्री कर सकते हैं? स्त्री का तो मामला ऐसा है जी कि तनख्वाह मिले अच्छी और रहने को मकान मिले तो स्त्री भी कर सकता हूँ। अरे भाई वो स्त्री नहीं, ये स्त्री, आयरनिंग आयरनिंग। ओ मैं ये स्त्री समझा था जी, माफ कीजिएगा, वो स्त्री भी बहुत अच्छी करता हूँ जी, हम लोग खानदानी धोबी हैं। हाँ शक्ल से तो बेवकूफ नजर आते हो, मेहनत से काम करोगे? जी हाँ। ईमानदार रहोगे? जी हाँ। तो आज से तुम्हें काम पे रख लिया जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। 45 रुपए महीना पगार मिलेगा, जाओ अंदर काम करो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रमे आकी मात्रा म राम, रमे आकी मात्रा ग राम, रमे आकी मात्रा ज राम, रमे आकी मात्रा ज राम। फिर से पढ़ो। राम राम राम। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा, मगर ये समझ में नहीं आता तुमने अपनी ये हालत क्यों बना रखी है, ये मस्खरों जैसी हरकतें क्यों करते हो? कौन है? जी नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं आपके लिए ये लाया था। बड़ी तकलीफ थी आपने? इसमें तकलीफ की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। कहिए पंडित जी कैसे हैं? आप कैसी हैं? मैं आपसे ये कहने आया था कि मैंने एक लॉन्ड्री खरीदी है, जय भारत लॉन्ड्री, पारसी बाजार में। पारसी बाजार तो जानती हैं आप? पारसी बाजार वो खड़ा पारसी की बाएं तरफ है, अगर आप यूं चले जाएंगे और फिर यूं जाके बिल्कुल वहां पहुंच जाती हैं। किसी दिन आइएगा वहां पर, बहुत काम काज रहता है। ये नया सूट है मेरा, मैं पहले ही चला आता लेकिन क्या करूं, इतना काम रहता है कि बस आज छुट्टी मिली तो मेरे ख्याल में। बहुत काम रहता है मुझे, मैं मुझे देर हो रही है, किसी वक्त आऊंगा मिलने के लिए।
आधी आधी तो आप सूट पहने खड़े थे, फिर खा गए कपड़ों से धोखा। अजी आदमी कपड़ों को पहनते हैं, कपड़े आदमियों को नहीं पहनते। क्या मतलब? वो देखिए कपड़े वो रहे, ये रहा आदमी। क्या ख्याल है? मैं तो देखने आई थी, आपका कामकाज कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। 15-20 आदमी नीचे काम करते हैं और आप बस हुक्म चलाते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं। ये कपड़े बारिश का मौसम है ना, बढ़िया सूट अंदर रख छोड़ा है, भीग कर खराब हो जाएगा। छोड़िए वो बात, क्या खातिर कर सकता हूँ आपकी। कहिए कहीं चाय पीने चलिएगा? कहाँ चलिएगा? ताज चलिएगा? ग्रीन्स चलिएगा? जी नहीं, वो सब बहुत दूर है। ठीक कहती हैं आप, मैं भी बहुत थका हुआ हूँ। खैर तो चलिए अपने फुटपाथ पैलेस होटल चलते हैं। फुटपाथ पैलेस? जी करीब है, आइए आइए। ये है हमारा फुटपाथ रेस्टोरेंट, फर्नीचर इसका ऐसा वैसे ही है। आप बैठिए बैठिए बैठिए, मैं अभी आया। नमस्ते काका, तो स्पेशल चाय, डबल दूध डबल शक्कर, फटाफट निकालो। अरे पहले के पैसे तो निकाल। अरे काका मौका देखकर बात किया करो, क्या बेवकूफ की रागनी अलापने लगते हो। हाँ पैसे तुम्हें पगार पे मिल ही जाएंगे, लेकिन आज ये तो देखो मेरे साथ कौन आया। मुझे क्या करना, तेरे साथ कौन आया? पहले 1 रुपया दस्ताने तो दे। काका तुम इन बातों को नहीं समझोगे। काका आ जाए पिला दे, इज्जत रख ले मेरी। काका इज्जत रख ले, चाय पिला दे। पर आज के पैसे नक दूंगा। हमारे काका की चाय आप पियेंगे सब होटलों की चाय भूल जाएंगे, वो अच्छी चाय बनाते हैं। आपके पास छुट्टे दुआने हैं जी? छुट्टे दुआने? छुट्टे दुआने? बात यह कि मेरे पास 100 रुपए का नोट है और हमारे काका के पास 100 रुपए का कभी छुट्टा ही नहीं होता। क्यों काका? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। जब एक शरीफ लड़का किसी शरीफ लड़की से प्यार करता है तो उन्हें शादी कर लेनी चाहिए, और जब शादी हो जाती है तो बच्चे भी होने चाहिए, और जब बच्चे हो जाते हैं तो उनके लिए घर चाहिए, अपने लिए और उनके लिए कपड़े चाहिए, बड़े हो जाएं तो पढ़ने लिखने के लिए स्कूल भी भेजना चाहिए ना। लेकिन लॉन्ड्री में मुझे सिर्फ 45 रुपया महीना मिलता है। अब आप ही बताइए कि इस 45 रुपये महीने में कोई घर गृहस्थी का इतना बड़ा बोझ कैसे उठा सकता है? अकेले नहीं उठा सकता, मगर दोनों मिलकर उठा सकते हैं। तो क्या तुम्हारा मतलब है तुम और मैं? मेरा मतलब है तुम और मैं और तुम। कल मुझे छुट्टी है, सुबह मैं तुम्हारे पिताजी से मिलने आऊंगा। ठीक है। Thank you.
प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल प्यार हुआ बदलेगा कभी क्यों आप तो तुम्हारी स्त्री गर्म नहीं होती हा? स्त्री अबे आग लगे भाई Hey, 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 hey
किसने किया? ये स्त्री किसकी है? साहब ये मेरी गलती से होगा, मैं स्त्री गर्म छोड़ गया था, मुझे माफ कर दीजिए। शाबाश, तुमने सच बोला, इसलिए सिर्फ तुम्हें 10 रुपए जुर्माना किया जाता है और कल काम भी करना होगा। कल साहब, कल तो संडे छुट्टी का दिन है, कल मेरा कोई इंतजार कर रहा होगा साहब। ओ शट अप। यस सर। तीन गुलाम, तीन बेगम और आपके पास तीन बादशाह और मेरे पास तो तीन इक्के हैं जी। शाबाश। बहुत खूब। माफ कीजिएगा मैम साहब, मैं वो कपड़े जी मैम साहब जी, वो बात ये है जी कि मैं लॉन्ड्री से कपड़े ला क्यों नहीं कर ड्रेस सूट जी जी ड्रेस सूट बिल्कुल बिल्कुल ड्रेस सूट, मैं वो सनलाइट सॉप कंपनी, मेरा मतलब सनलाइट लॉन्ड्री, जय भारत लॉन्ड्री से आया हूँ मैम साहब। मैं चाहता हूँ सीट सेंड कर दीजिए। इधर आओ बैठ जाओ। माफ कर दीजिए मैम साहब, मेरी गलती है जी, तो मैं जो मेरी शिकायत मत कीजिएगा मैम साहब, मेरा मालिक बहुत जाले में मुझे नौकरी से निकाल देगा। बैठ जाओ। मैं कुछ नहीं जानता जी, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे गलत मत समझिए मैम साहब, ये मेरा धंधा नहीं है, ये तो मैं वक्त काटने के लिए 9-2-11 किया करता हूँ। बांटो अब। देखिए अपने पत्ते, तीन इक्के हैं आपके पास, सच कहता हूँ मैम साहब, मैं 420 नहीं हूँ, तीन बादशाह मेरे पास। देखिए बहुत तो मैं जाऊं मैम साहब। देखिए मैम साहब, मैं सच कहता हूँ मैं पत्तेबाज नहीं हूँ, पुलिस को मत कहिएगा मैम साहब, मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं सच कहता हूँ मेरा मालिक बहुत जुल्मी है। देखिए आप मेरी रसीद साइन कर दीजिए, मेरी नौकरी चली जाएगी मैम साहब, मेरी रसीद। बैठ जाओ, मैं अभी आई। जानी 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 मेरी बात सुनो, ये बड़े पत्तेबाज बनते हो उस कमरे में आओ, सच मुझ का जादू कर दिखाओ, जब भी पत्तेबाज था तीन एक ही निकलता है। जानी जानी उठ जाओ। ओ शराब शराब शराब, कभी तो होश में आया। जानी जानी पार्टी में जाना है, देर हो रही है। कैसी बात, मुझे कहीं पत्ता वत्ता खेलने नहीं जाना है। जानी कुछ तो सोचो कि मैं कितनी मुश्किलों से ये दावतें लाती हूँ और तुम हमेशा शराब में बेहोश पड़े रहते हो। जानी जानी मेरे पास उस कमरे में एक बहुत होशियार पत्तेबाज, मैं सब कुछ सिखा सकता हूँ। फिर उसी के साथ चले जाओ ना, मुझे कहीं पार्टी वार्टी में नहीं जाने का। जाओ।
मैं फोन कर देती हूँ कि हम नहीं आए। पुलिस को मत बुलाइए मेम साहब, पुलिस को मत बुलाइए। मैं बड़ा गरीब आदमी, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा मेम साहब। पुलिस? पुलिस को तो बुलाना ही पड़ेगा अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे। आप क्या चाहती हैं मेम साहब? मुझे गलत मत समझिए, मैं शरीफ आदमी हूँ। आप मेरी रसीद साइन कर दीजिए मैम साहब, मैं चला जाता हूँ। वो भी हो जाएगी। ड्रेस सूट कपड़े बदलो जी। हेलो हेलो, मुझे माया कहते हैं। मेरा नाम राज है, सब लोग मुझे राजू कहते हैं। मैं जय भारत लॉन्ड्री में काम करता हूँ। 45 रुपया पगार मिलता, कपड़े जल जाए तो उसमें से रुपया कट जाता है। मैम साहब मेरा मालिक बहुत जाले में, इस सूट में देखेगा तो मुझे नौकरी से निकाल। भूल जाओ इन सब बातों, भूल जाओ तुम किसी लॉन्ड्री में काम करते हो, ये भी भूल जाओ कि तुम्हारी तनख्वाह सिर्फ 45 रुपए। मैं तुम्हें एक नया जीवन देना चाहती हूँ, समझे? इस वक्त तुम वो लॉन्ड्री में काम करने वाले राजू नहीं, एक राजकुमार हो, बड़े आदमी हो, अमीर हो, दौलतमंद। तुम्हारे तन पे अच्छे अच्छे कपड़े हैं, इस लिबास में तुम जहां भी जाओगे लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। बड़े बड़े तेज सावतार तुमसे बात करने में अपनी शान समझेंगे। देखते जाओ मैं तुम्हें कहां से कहां पहुंचाती हूँ, जहां दौलत इज्जत ऐशो आराम। आज मैं तुम्हारे लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोल रही हूँ। कर रहे सरकार, मैं तो वेटर हूँ। तो क्या हुआ, मैं धोबी हूँ। राजकुमार साहब, क्या हरकतें कर रही हो? हेलो हेलो, तुम्हारे चेहरे पे तो राजकुमारों जैसी शान होनी चाहिए, ये मत समझना कि तुम एक राजकुमार हो, समझे? तो ये लीजिए, एक नकली चेहरा उतार कर दूसरा नकली चेहरा लगा लेता। चलिए चलो। हेलो माया, बड़ी सडनली ये चांद किधर से चमका? हेलो पीला चंद जी, इनसे मिलिए, आप हैं राजकुमार ऑफ पीपली नगर। ओह पीपली नगर, हाउ डू यू डू राजकुमार साहब। बड़ी सडनली आज पार्टी आला ग्रांड रहेगी, आइए आइए, मेरे दोस्तों से मिलिए, आइए आइए। हाँ तो भैया, आप ताश तो जरूर खेलते ही होंगे, यही फ्लश? जी हाँ, अगर 3 इक्के ना निकल
बड़ी आज मजा आएगा पार्टी का। नो सेठ साहब पर अभी पहुंचा। आइए सेठ साहब। आइए सेठ साहब, बस आप ही का इंतजार था। हाँ आप उनसे मिलिए, आप हैं राजकुमार ऑफ पीपली नगर। हाँ हाँ पीपली नगर। और आप हैं सेठ सोनाचंद धर्मानंद, कॉटन और बुलियन किंग। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई सेठ साहब। याद पड़ता है कि राजकुमार साहब को कहीं देखा है, शायद रास्ते में। हो सकता है सेठ साहब, बात यह है कि आपका और मेरा रास्ता भी तो एक ही है। राजकुमार साहब बड़ी अलग ग्रांड आदमी है। चलिए ना, अब देर किस बात की है, एक आध बाजी ही हो जाए। नॉट अ बैड आइडिया। चलो भाई चलो 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 भाई चलो भाई चलो। बड़ी घबराती क्यों हो मैडम, सडनली लग चेंज होगा तो सब तुम्हारे पास आ जाएगा। मुझे तो मन दुकान लेकर राजकुमार के याद आता है। मानती है राजकुमार साहब। अरे अपन तो पत्ते देख के चलेंगे भाई, अपना तो 200 रुपया इंच है। ओ, 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 मारा भी 200 रुपया इंच। ओ वरी सडनली, ओ क्या करती हो, रेल आ गया है क्या? राजकुमार साहब सडनली खेल हो गया मजेदार। मेरे ख्याल से ये बाजी आप दोनों में ही रह जाए तो अच्छा है। मेरे 200 की चाल है। बड़ी बड़ी अपने पत्ते तो देख लीजिए राजकुमार साहब, 400 की चाल है। राजकुमार की टक्कर का खेलने वाला यहाँ कोई नहीं, क्या ख्याल है आपका? 400-500 में बहुत देर लगती, 1000 ही कर दी। हमारी शब्दी 1000 की चाल, काउंटर को नहीं 1000 नक्त की चाल। एक और, क्यों दौलत लुटाते हो राजकुमार जी, वरी यहाँ तो रुपया भी नहीं। चलिए शो कीजिए, 3 बादशाह है मेरे पास, इससे बढ़कर आपके पास क्या हो सकता है? इतनी जल्दी क्या है? आज मेरा लक अलग फूस हो गया। क्या कहा था मैंने आपसे? देखा? देख रहा हूँ। वाहनो नाम के पट्टा जोर बानो तन तन भाषा पर 3-3 एक का चाला आवे। अजी राजकुमार जो ठहरे, कहते हैं रुपए को रुपया खेलता है। नहीं नहीं नहीं, ये तो साफ लक की बात है। अजी पत्तों के खेल में लक की क्या बात, ये तो हाथ की सफाई है। हाँ वो मैंने कहा राजकुमार साहब, जीतते जीतते थक गए ना, अब चले, बहुत देर हो गई, और फिर सवेरे आपको प्लेन से पीपली नगर भी तो जाना है। जी जी ओ जी जी, तो ये काउंटर आप कैश करा दीजिए। यस यस प्लीज है प्लीज है। अच्छा तो इजाजत है? जरा ठहरिए राजकुमार साहब, एक बाजी हमसे भी हो जाए। तो बड़ी सडनली ये तो अलग ग्रांड हो गया। वाह साहब, बैठिए बैठिए से जाम। वेरी वेरी एक्साइटिंग, ये तो बिल्कुल मन तो करने वाला किस्सा हो गया। काउंटर से नहीं नक। बात तो बहुत मजे की है, हो जाए राजकुमार साहब। हाँ साहब, अपना सेठ साहब ने तो नगद पर वाट थे। जी, नगद। एक मिनट राजकुमार साहब, पत्ते मैं भेजूंगा। राजकुमार साहब अब बात ये। जी नहीं, अब मैं नहीं पाटूंगा। आपने मुझ पर शुभा किया है, मेरी इंसल्ट की है सेठ साहब, इसलिए पत्ते आप बांटे, ये मेरी इज्जत का सवाल। वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया सेठ साहब बढ़िया। 100 रुपया ब्लाइंड। 200 ब्लाइंड। 200 ब्लाइंड। इस तरह बहुत देर लग जाएगी, बस एक ही दफा में 1000 ब्लाइंड हो जाए।
1000 प्लेन। दो हजार की चाल बस दो चार ब्लाइंड चालें और चली होती तो बड़ा मजा आता सेठ सर। चार हजार की चाल मेरी वेट चाल मामला गंभीर है। सेठ साहब इजाजत हो तो मैं अपने बड़े भाई से मशवरा कर लूं टेलीफोन पर। पूछ लीजिए लेकिन पत्ते आपके सामने रहेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। अपना सेठ ने अपन चक्कर वाला मिला थे। ये राजकुमार साहब बड़े दिल वाले क्यों माया देवी ये पीपली नगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में? जी नहीं मध्य प्रदेश में। जी भाई साहब पत्ते पत्ते वही है क्या? जी 50,000। तो बहुत अच्छा है। हाँ माता जी से कहिए मैं अभी आता हूँ। भाई साहब कहते हैं अगर पत्ते अच्छे हैं तो 50,000 तक चल सकते हो। वेरी गुड। जी हाँ लिहाजा 10,000। अरे ये क्या किया सेठ साहब? शो तो करवाई होती। जी नहीं मालूम होता है आपके पास फिर तीरी के आ गए। खैर यही सही तो इजाजत है। मैं ये राजकुमार साहब प्लीज आप तो पत्ते दिखा दीजिए। 2-3-5 यही शेख साहब आपका बड़ा नुकसान किया मैंने। नुकसान की क्या बात है आपसे मुलाकात हो गई इसमें फायदा ही फायदा है। ये ड्रेस सूट रख दो उधर। निम साहब ये गोलमाल कितने का है? होंगे कोई 20-1,000 मगर तुमसे मतलब 20,000 इतना रुपया? और ये सब मैंने अपनी चालों से बनाया है मैम साहब। तो अब तुम अपनी सबसे तेज चाल दिखाओ और यहां से चलते फिरते नजर आओ समझे? मैम साहब ये रुपया मैंने कमाया है इस रुपये में आपका और मेरा बराबर का हिस्सा होना चाहिए। बराबर का हिस्सा? मेरी बराबरी करते हो? तुम हो कौन? तुम्हारी हैसियत क्या है? मैंने चंद घंटों के लिए तुम्हें एक नई जिंदगी उधार दे दी तो दिमाग खराब हो गया। हम लोगों की बराबरी करते हो? अपने औकात मत भूलो कि तुम्हें एक लॉन्ड्री में 45 रुपए में नौकर कपड़ों में नजर डालो। अपनी सूरत आईने में देखो और जाओ वापस उसी गटर में जहां से तुम आए हो। लॉन्ड्री से कपड़े लाए थे ना? ये है उसकी रसीद। और हां ये लो तुम्हारी बख्शीश। गेट आउट।
घंटों के लिए तुम्हें एक नई जिंदगी उधार दी तो दिमाग खराब हम लोगों की बराबरी करती आज मत भूलो कि तुम्हें लॉन्ड्री में 45 रुपए के नौकर हो कपड़ों में नहीं बताए अपनी सूरत आईने में देखो और जाओ वापस उसी गटर में जहां से तुम आए हो नगर में कपड़े ही कपड़े धुलते हैं अफसोस की बात है आप जैसा काम का आदमी एक धोबी खाने में सड़ रहा है जी और कर ही कह सकता हूं माया ने आपको धोखा दिया बहुत बुरा किया छी 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 धंधे में ईमानदारी निहायत जरूरी है खैर 20,000 रुपए तो आपके हाथों की मैल है देने वाले ने तो आपको दबाव दिया है आप चाहें तो लाखों करोड़ों पैदा कर सकते हैं आप तो यूं कहेंगे जैसे करोड़पति बनना बाएं हाथ का खेल ये रख लीजिए नए धंधे की पेशगी एडवांस लीजिए मैंने कहा था ना आपसे मुलाकात हो गई इसमें फायदा ही फायदा है अच्छा फिर मिलेंगे ना तुम भी कपड़ों से धोकर मगर तुम फिक्र मत करो अपना सब माल किराए पर कपड़े और क्या आजकल कपड़े जेवर इज्जत आबरू हर चीज किराए पर मिलती मैं तो समझी तुम आओगे ही नहीं भला तुम्हें देवी पूजा के लिए कहां फुर्सत देवी पूजा के लिए तो आया ये लो ये क्या है खोल कर देखो अरे हाँ दिवाली मुबारक तुम्हें भी पंडित जी कहां अंदर है कीमती साड़ी क्या क्या ये भी ये किराए की नहीं मेरी कमाई की सबसे पहली भेंट अब जल्दी से पहन लो और चले कहाँ लक्ष्मी पूजा को लेकिन
इतनी अच्छी साड़ी मैं? हाँ पहन लो ना पिताजी। जब कोई भेंट दे तो उससे बहस नहीं किया करते, वरना किसी का दिल टूट जाता है। जा जा पहन ले। नमस्ते पंडित जी। जीते रहो बेटा। अरे खड़े क्यों, बैठ जाओ। जी हाँ। कौन से मंदिर जा रहे हो? मंदिर? जी मंदिर, वो लक्ष्मी मंदिर। लक्ष्मी मंदिर, आज दिवाली है ना, तो मैंने सोचा कि विद्या को शहर की रोशनी दिखा लाऊं। जरूर जरूर। भैया आज बड़े अच्छे लग रहे हो, कपड़े भी बढ़िया पहने। क्यों, कोई खजाना मिल गया क्या? खजाना? खजाना तो नहीं, खजाने की चाबी जरूर मिल गई। सब देखते जाइए, थोड़े दिनों में सारी मुंबई अपनी हो जाएगी। जीती रहो बेटी, भगवान तुम दोनों को सुखी रखे। आप नहीं चलिएगा पिताजी, रोशनियां देख ले? नहीं बेटा, तुम दोनों जाओ, रोशनी देख। जाओ बेटा जाओ। मुझे कहा गया, तुम तो कहते थे हम लक्ष्मी मंदिर जा रहे हैं। यही तो है लक्ष्मी का मंदिर, और ये सब है उसके पुजारी। देखते जाओ। हेलो राजकुमार साहब, हाउ डू यू डू राजकुमार। हेलो पीलाचंद जी, कहिए कैसे हैं आप? परी उस दिन हमारी जेबें आना फूस करके आज दर्शन दिखा रहे हैं। क्या पिपली नगर गए थे क्या? पिपली नगर नहीं, पीपली नगर। वरी सडनली ये चांद किधर से चमका? जरा इंट्रोडक्शन दीजिए ना, आप कहाँ की राजकुमारी हैं जी? ये है विद्या देवी, विद्यानगर की राजकुमारी। हाउ डू यू डू राजकुमारी। दरअसल विद्या देवी आजकल के जमाने में राजकुमारी कहलाना पसंद नहीं करती। ओह वेरी गुड, अ डेमोक्रेटिक राजकुमारी। हाउ डू यू डू। प्लीज राजकुमारी हमारे टेबल पर आइए ना, आइए ना, आइए आइए। हेलो राज, कहाँ जा रहे हो? कितने हसीन लगते हो उन कपड़ों में, तो वो आस पास खिलो। 10 रुपए की बख्शीश के लिए माफ कीजिए, मुझे फुर्सत नहीं। हेलो राजकुमार, आज मानते कार्य वाली महफिल जमेगी। हेलो माया, आइए आइए, इनसे मिलिए। आप हैं राजकुमारी ऑफ विद्यानगर। विद्यानगर। ओह, जैसे ये राजकुमार हैं वैसी ये राजकुमारी? सटनली सटनली माया देवी। हेलो माय डार्लिंग, हाउ आर यू? साड़ी तो बहुत अच्छी पहन रखी है, कहाँ से ली? ओ लीला राम से ली होगी, मेरे पास भी एक ऐसी ही साड़ी है, आज पहन कर आने वाली थी, लेकिन लॉन्ड्री से धुल कर नहीं आई। Goodbye, darling. Rajkumari, Maya, you must have forgotten the man. Yes, she's not your daughter. Wow. Oh, my God. Beautiful.
चलो विद्या, मैं सब समझा सकता हूँ। चलो यहाँ से कहीं चले चलते। शुक्रिया राजकुमार साहब, मुझे बाहर जाने का रास्ता मालूम है। सुनो विद्या। हेलो राजकुमार साहब। ये कौन थी? विद्या, विद्या कहाँ जा रहे हैं राजकुमार साहब? सब वो विद्या चली गई। अरे जाने दो, एक गई दस मिलेगी। अब तुम नई जिंदगी में कदम रख रहे हो और आज तो दिवाली की रात है, बड़े ऊंचे पैमाने पे ताश खेलने वाले हैं। आप तो समझते हैं नए धंधे का एडवांस ले चुके हैं। सब विद्या, विद्या आज की रात में विद्या की जरूरत नहीं, माया की जरूरत है। माया Thank you.
नजरों से नैना जो मिला के देखे, मौसम के साथ मुस्कुरा के देखे, दुनिया उसी की है जो आगे देखे। नैनों से नैना जो मिला के देखे, मौसम के साथ मुस्कुरा के देखे, दुनिया उसी की है जो आगे देखे। मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के। दुनिया के साथ जो बदलता जाए, जो इसके सांचे में ही ढलता जाए, दुनिया उसी की है जो चलता जाए। दुनिया के साथ जो बदलता जाए, जो इसके सांचे में ही ढलता जाए, दुनिया उसी की है जो चलता जाए। मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर हैं। मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, 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 पवित्रता के घोंसले से निकलकर बाहर आ और देखो जिंदगी किस चिड़िया का नाम है, सोने की चिड़िया का। जानती हूं मैं कौन? चिड़ी का गुलाब। तुम पी कर आए हो राज, नशे में धुत। जमाना ये समझा कि हम पी कर आए। खूब जोर से हंसो और बाद में कितनी खुशी की। आज तुम्हारी वजह से मेरा अपमान हुआ, मेरी जगह साई हुई। जिंदगी में पहली बार मुझे दुनिया के सामने नजरें नीची करनी पड़ी। लोग क्या कहते होंगे? लोग कहते हैं तो कहने दो, जमाने ने हमारे लिए क्या किया जो हमें जमाने की परवाह हो। जब मैं भूखा था तो दुनिया ने मुझे खाना नहीं दिया, और जब मैं बेकार था तो दुनिया ने मुझे काम नहीं दिया, और जब मैं बेघर था तो इसी दुनिया ने मुझे रहने के लिए मकान नहीं दिया। मगर अब तुम देखो, यही दुनिया हमारी इज्जत करे, हमें झुक झुक के सलाम करे, इसलिए कि ये देखो, जानती हो ये क्या है? दौलत, इज्जत, नाम, शोहरत, ऐशो आराम है। इसमें तुम्हारे लिए और मेरे लिए एक नई जिंदगी है, मेरे लिए और तुम्हारे लिए। चोरी की है, तुमने चोरी की है। हाथ की सफाई मैडम, इधर का पत्ता उधर और उधर का पत्ता इधर। तुमने पत्ते लगाए, बेईमानी की है, मगर बेईमानी का फल कभी मीठा नहीं होता है। तो ये देखो बेईमानी का कड़वा फल। तुम गिरे भी तो
कागज के इन टुकड़ों के लिए राज। मगर याद रखो, एक दिन किस्मत की कोई आंधी आएगी और इन्हें उड़ाकर ले जाएगी, मगर तुम बेईमानी की कीचड़ में पड़े इन्हें ढूंढते रहोगे। राज जाल में ना फंसो, धोखेबाजी और बेईमानी किस कीचड़ में न गिरो राज। ये उन लोगों से जाकर कहो जो इसी कीचड़ में से हीरे जवाहरात बनाते, झूठ बेईमानी और धोखे से लाखों रुपए कमाते हैं और इस दुनिया के मालिक बने हुए। लेकिन ये ईमानदारी का उपदेश हमेशा गरीब आदमी को दिया जाता है कि तुम दिन भर मेहनत करो, काम करो और फिर ईमानदारी की रूखी झूठी खाकर भगवान और धनवान का शुक्र करो। कितने बदल गए हो तुम। एक दिन तुम फटे पुराने कपड़े पहन कर आए और मैं समझी थी कि मेरी जिंदगी में कोई बिगड़ा दिल शहजाद आ गया। राज तुमने कहा था भूल जाओ उस राज को, विद्या उस राज को भूल जाओ जो था सो था, मुड़ मुड़ के ना देख मेरी जान, मुड़ मुड़ के ना देख। अब हम एक नई दुनिया में कदम रख रहे हैं। बोलो साथ देना, बोलो बोलो साथ देना। दुनिया में तुम पहुंच चुके हो राज, वहां हर चीज बेची और खरीदी जाती है, मगर मैं बिकाऊ नहीं, समझे? मैं बिकाऊ नहीं हूं। बहुत अच्छा, मैं जाता हूं। याद रखना मैडम, तुम और तुम जैसे ईमानदारी का राग अलापने वाले भूखे मरेंगे, भूखे मरेंगे। मैं भूखा नहीं मरूंगा, मेरे पास दौलत है, पैसा, नाम है। घबराते क्यों हो, चले आओ आओ। कहो, काम शुरू करने के लिए तैयार हो? शुक्रिया सेठ, लेकिन मुझे काम क्या करना होगा? काम? यस, सोनाचंद धर्मनंद स्पीकिंग। कौन, किलाचंद? क्या तकलीफ है? 1000 टन चावल का ऑर्डर नहीं सप्लाई कर सकते? सिर्फ 800 टन मिलता है, तो इसमें घबराने की क्या बात है? अगर चावल नहीं मिलता तो 200 टन कंकर पत्थर तो मिल सकता है। तो, इडियट।
समझे? जी कुछ कुछ समझ में आ रहा है। तो तुम्हारे लिए कोई काम सोचना होगा। बिल्कुल सेठ साहब। ऐसा काम होना चाहिए जिसमें लोगों को दिलचस्पी हो। अब ये बताओ कि आजकल लोग क्या चाहते हैं? सेठ साहब लोग तो ये चाहते हैं कि किसी तरह रातों रात लखपति बन जाए, चाहे रेस का घोड़ा लग जाए, सट्टे का नंबर लग जाए, मट्टी में से सोना निकाल ले। तो तुम भी मिट्टी में से सोना निकालो। जी जी मैंने कहा नहीं था कि तुमसे मुलाकात हो गई, इसमें फायदा ही फायदा है। ए भाई साहब, तिब्बत में सोने की कंपनी का ऑफिस यही है? यही। किससे मिलना है जी आप? राज 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 एंड कंपनी। हाँ हाँ, बस तो दफ्तर में चले जाइए भाई साहब। तीनों राज अंदर हैं? जी जी हाँ, जितने सब अंदर हैं। अच्छा अच्छा। हेलो ट्रंक कॉल ओवरसीज न्यूयॉर्क। यस यस Yes, yes, Raj, Raj, Raj and Company Limited, Managing Agents for Tibet Gold Company. No, 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 please. No, 20,000. No, 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 no. I can give you 10,000 shares. All right. Goodbye. All right. Ji, namaste. Aayye, aayye, Seth ji, aayye. Raj. Ji, haan, aapka sevak. Dusre Raj. वो भी यही है, बस ये समझ लीजिए कि पूरी राज 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 एंड कंपनी आपके सामने हाजिर है। तशरीफ रखिए। कहिए क्या सेवा करते हैं? साहब हम तो तिब्बत में सोने। ओफो, तिब्बत में सोना, जिसे देखो तिब्बत में सोने की ही बात करता। सेठ साहब ये तिब्बत गोल्ड कंपनी क्या खोली है मैंने कि मुसीबत मोल ली है। जानते हैं आप दुनिया के कोने कोने से अमेरिका, जापान, टोक्यो, इंग्लिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, हर जगह से टेलीफोन कॉल आते हैं और सुनते। हेलो साहब, आसामी मालदार है, कहिए तो अब जापान से टेलीफोन दे दूं? लीजिए, जापान से ट्रंक कॉल आया। हेलो टोक्यो, ओ उनाकाशी मिशी मिशी उनाकाशी ओहायो गोजाइमोस ओहायो गोजाइमोस। तिब्बत गोल्ड कंपनी राज 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 एंड कंपनी तांगवा सांगवा तुंगवा मांगवा यांगवा त्वा 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 तू आंगवा जाजो कोई ना 200 शेयर मांगते हैं। अब आप बताइए मैं कैसे? सेठ साहब मैं तो नांगवशला ना ओखशा का ओखरा वारदवा ना वा त्वा 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 ने होला हो मा जम तो इमा जाने ना पाए साहब जम तो इमा ये हो यो हो शुमा हा 100 100 पे राजी कर रहा हूं उनसे। मांगशा मांगशा वायो को जाय मुसका। हां वायो को जाय मुस। हां त्वा 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 त्वा। बड़ी मुश्किल से 100 पे माना है सेठ साहब। अच्छा एक बात पूछता हूँ आपसे, तिब्बत में सोने की कान किसने निकाली? तुमने। गलत, हम हिंदुस्तानियों ने सेठ साहब, हम हिंदुस्तानियों ने। और दुनिया भर के व्यापारी मेरा पीछा कर रहे हैं कि हमें शेयर्स दो। बोलिए तो क्या करूं? तो हमसे भी धंधे की बात कर लीजिए राज राज जी, अपनों भी यही धंधो है, बस अपने को 50 शेयर दे दीजिए। 50 शेयर? हाँ सब, और फिर ले लूंगा। देखिए जी, शेयर्स की मांग बढ़ गई है ये तो आप देख ही चुके हैं। मैं आपको 20 शेयर से ज्यादा नहीं दे सकता। अरे साहब ऐसा कैसे जुलम करते हो? देखिए हम हिंदुस्तानी है, ये सोना कंपनी भी हिंदुस्तानी है, पहले हमारा हक है। बिल्कुल आपका हक है शेख साहब, ये सब कुछ मैं किसके लिए कर रहा हूँ? लेकिन मैं आपको 20 शेयर से ज्यादा नहीं दे सकता। नहीं साहब, ये 5,000 रुपया ले लीजिए और देखिए आशा ये लीजिए, बस 50 शेयर मेरे कर दीजिए। हाँ साहब, ऐसा मालूम होता है आपकी हमारी बहुत पुरानी जान पहचान है। हाँ साहब, आप मजबूर करते हैं मुझे शेख साहब। कृपया आपकी। देखिए पास वाले कमरे में कैशियर से सर्टिफिकेट्स ले लीजिए, मैं लिख देता हूँ। साहब एक बात मेरी मानिए, तिब्बत में सोना निकालने का धंधा जल्दी शुरू कर दीजिए। आप लोगों की कृपा से ये काम तो शुरू भी हो चुका है। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। नहीं नहीं बेटी, ये इलम है, ये विद्या है, इसको मत बेच। तेरे को 10-20 रुपया मांगता तो मेरे को बोल। लेकिन काका
हम कब तक तो अरे क्या दिल तोड़ने वाली बात करती है बेटी। हाँ सुना है बहुत जल्दी तेरी शादी होने वाली है, फिर तो तेरी किस्मत ही बदल जाएगी। नहीं काका, ऐसी तो कोई बात नहीं। क्यों, पंडित जी तो कहते थे कि विद्या ने भी लड़का पसंद कर लिया है, क्या हुआ, लड़का बुरा निकला? नहीं काका, मेरी किस्मत बुरी निकली। नहीं नहीं बेटी, तू तो बड़ी किस्मत वाली है। देख याद रखना, मैं फिर बोलता हूँ, एक दिन कोई बिगड़ा दिल शहजादा कहीं से घूमता घामता आएगा। और आओ आओ सेठ, आपने तो बहुत दिन बाद दर्शन दिए। दर्शन तो देवियों के होते हैं। हेलो विद्या, कहो तुम यहां कैसे आई? विद्या बेचने आई थी। अजीब इत्तेफाक, तुम विद्या बेचने आई हो और मैं ईमान खरीदने आया हूं। ये लीजिए अपने 50 रुपए, तुम मेरा मेडल वापस ला दीजिए। हाँ फिर अब भी लाता हूं, अब भी लाता हूं, मैं कुछ जरा ठहरो। हाँ भाई, कहो तुम्हारा स्कूल कैसे चल रहा है जहां तुम नन्ने मुन्ने धर्मात्मा बनाती हो? स्कूल बंद हो गया और नन्ने मुन्ने धर्मात्मा गलियों और बाजारों में आवारा फिरते, गुंडे मवाली और 420 बनने की तैयारियां कर रहे हैं। स्कूल बंद हो, ये तो बहुत बुरा हो, मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? शुक्रिया, आप अपने रुपयों से अपनी पसंद का स्कूल खोल सकते हैं जहां बेईमानी के पैसे से ईमान खरीदना सिखाया जाए। लो देख तुम्हारा ईमान। अरे नहीं जाता किधर, अरे अपना ईमान तो लेके जाओ। नजर आते हो, वाह वाह वाह, ये कलप लगे कॉलर है, ये बो, ये सूट, वाह वाह वाह, क्या कहने। क्यों राजा, बड़े आदमी बनने के लिए जो चाहिए सब मिल गया ना, अब तो खुश हो? क्यों, क्या हुआ, खुश हो ना? नहीं राजा, मैं बहुत दुखी, जाने क्या हो गया। तू तो जानता है कि मैं बड़ा आदमी नहीं, मैं क्या करूं, तू कहां चला गया राजू? राजू राजू राजू, विद्या बेटी आज तो बहुत देर लगा दी तुमने। हेलो, आज चाय नहीं चाहिए। क्यों, अरे तुम तो मेरी रोज की ग्राहक है, ले। आज तो मेरे पास दो आने दिए। अरे तो क्या हुआ, यहाँ तो ऐसे ऐसे 420 चाय पीकर चले जाते हैं जो सूरत तक नहीं बताते। लो वाह, बहुत दिनों के बाद आए हो राज, क्या ठाट है, बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय ला। मुझे तुमसे कुछ कहना, मगर मुझे कुछ नहीं सुनना, अब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। ले लो, बड़ी अच्छी चाय ला रहा हूँ, ले लो। कुछ याद आया, एक दिन इसी तरह हमने यह चाय पी, कुछ वादे किए,
एक सपना भी देखा। याद है मैंने कहा था हमारा घर होगा, गृहस्थी होगी, हमारे बच्चे बड़े होंगे तो स्कूल और कॉलेज में पढ़ने जाएंगे। विद्या में जो कुछ भी कर रहा हूँ उसी सपने को सच देखने के लिए कर रहा हूँ। तो कोई और काम नहीं कर सकते थे जहाँ बेईमानी का धंधा ना चलता? मुझे समझने की कोशिश करोगे क्या? मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझती हो। अगर मैंने धोखा दिया तो उन लोगों को जो खुद धोखेबाज हैं, झूठे हैं, क्या तुम्हें हमदर्दी ऐसे लोगों से? मुझे हमदर्दी है तो सिर्फ तुमसे, इसलिए कि जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो जानते हो तुम्हें कहाँ ले जाएगा। तुम मुझे अपनी घरवाली बनाना चाहते हो, कल तुम किसी जेलखाने की कोठरी आबाद करोगे तो फिर मैं किसकी घरवाली कहलाऊंगी? बड़ी हसरत है ना तुम्हें कि तुम्हारे बच्चे स्कूल और कॉलेजों में पढ़े, तो जानते हो उनके साथ ही उन्हें क्या कहेंगे कि उनका बाप एक दो के बाद 420। जरा सोचो, हम जैसे लोग पैसे के बगैर कर ही क्या सकते? इस दुनिया में तो सांस लेने के लिए भी पैसा चाहिए। पैसा पैसा तुमने ये क्यों किया? तुमने अपने आप को ही, मुझे, मेरा घर, मेरी गृहस्थी सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा बोलो, तुमने क्यों किया? किस लिए? सूटों के लिए, गाड़ियों के लिए, इस झूठी शान और इज्जत के लिए? बोलो राज। विद्या, झूठी शान और चमक दमक के लिए तुम अपना सब कुछ खो बैठे हो। तो जाओ उसी राजमहल होटल में जहां तुमने अपनी इंसानियत बेची है और वहीं से अपनी पसंद की मोहब्बत भी खरीद लो। We'll be right back.
वस्ता भैया रमैया वस्ता भैया रमैया वस्ता भैया रमैया वस्ता भैया मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया ओ रमैया वस्ता भैया रमैया वस्ता भैया रमैया वस्ता भैया मैंने दिल तुझको दिया ओ रमैया बता भैया रमैया बता भैया नैनों में थी प्यार की रोशनी तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी तेरे मन में ये मीठी कटारी न थी मैं जो दुख पाऊं तो क्या आज पछताऊं तो क्या मैं जो दुख पाऊं तो क्या आज पछताऊं तो क्या मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया ओ रमैया बता भैया रमैया बता भैया चांदी के बदले में बिकते हैं दिल सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल इस गांव में दर्द की छांव में प्यार के नामों पर ही तड़पते हैं दिल प्यार के नामों पर ही तड़पते हैं दिल चांद तारों के तले रात ही रात चले चांद तारों के तले मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया ओ रमैया बसता भैया रमैया बसता भैया याद आती रही दिल दुखाती रही अपने मन को मनाना ना आया हमें अपने मन को मनाना वहीं से दूर से ही तू भी ये कह दे कभी मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया ओ रमैया बसता भैया रमैया बसता भैया रमैया बसता भैया रमैया बसता भैया मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया ओ रमैया बसता भैया रमैया बसता भैया और मुसाफिर वही एक तारा न जाने कहाँ छुप गया एक तारा न जाने कहाँ छुप गया दुनिया वही दुनिया वाले वही कोई क्या जाने किसका जहाँ लुक गया कोई क्या जाने किसका जहाँ लुक गया मेरी आंखों में रहे कौन जो मुझसे कहे मेरी आंखों में रहे कौन जो मुझसे कहे मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया ओ रमैया बसता भैया रमैया बसता भैया रमैया बसता भैया रमैया बसता भैया Yeah.
विष्णु गंगा मैया, मैंने कहता था कि हमारा राज जरूर आएगा और जब आएगा तभी हमारे घर बनेंगे। अरे हमारा बेटा है। राज भैया, हम तो समझते थे कि तुम सूट बूट पहनकर हमें भूल गए। अरे क्या बात करते हो, एक बार जो फुटपाथ पे सो गए कभी हम फुटपाथ वालों को भूल सकता है। अच्छा राजू भैया, ये तो बताओ कि हम लोगों के घर कब बनेंगे? घर? हाँ हाँ, तुम्हारे इश्तेहार ने तो सारे शहर में खलबली मचा दी है राज भैया। इश्तेहार? मेरा इश्तेहार? अरे हाँ हाँ राज भैया, ये देखो ना। अरे ये तो अपने ध्यान से भी तैयार है। अपना घर, 100 रुपए में अपना घर। अब कोई फुटपाथ पर नहीं रहेगा। बेघरों के लिए खुशखबरी, जनता के लिए जनता घर, सिर्फ 100 रुपए। आपका सेवक राजकुमार सक्सेना, जनता घर के लिए सोना चंद मिल चुका। राज भैया, राज भैया, राज भैया, राज भैया। क्या मैं पूछ सकता हूँ शेख सोनाचंद धर्मन, ये इश्तहार मेरे नाम से किसने दिया और इसका क्या मतलब है? राजमहल से क्यों चले आए? माया तुम्हारी बड़ी शिकायत कर रही थी। माया को यूं ठुकराना अच्छा नहीं। 100-100 रुपए का घर, ये इश्तहार तो आपने मेरे नाम से दे दिया, लेकिन इस बात का यकीन कौन करेगा? 100 रुपए में मकान कैसे बन सकता है? तुम्हें किस उल्लू ने यह कह दिया कि मैं मकान बना के दूंगा? मैं घर नहीं बेच रहा हूँ राज, एक सपना नीलाम कर रहा हूँ। जानते हो इसी बंबई शहर में कई लाख आदमी फुटपाथ पर सोते हैं। इन कई लाख इंसानों की एक आरजू, इनका अपना एक घर हो, समझे? इसलिए गरीब से गरीब भी किसी ना किसी तरह 100 रुपए जमा करके हमें दे जाएगा ताकि हम इनका एक घर बना दे। सेठ सोनाचंद धर्मानंद, इस 400 पीसी के धंधे में मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। पत्ते लगाए, बोगस गोल्ड कंपनी के शेयर बेचे, सत्ते के नंबर उलट पलट किए। मुझे ये नहीं मालूम था कि एक दिन तुम मुझसे ये कहोगे कि गरीब आदमियों को धोखा देकर तुम्हारी खाता नहीं भूल। कैसी बातें करते हो राज, इस नई दुनिया में अमीरों और गरीबों का भेदभाव रखना ही नहीं चाहिए। हम जैसा सलूक अमीरों के साथ करते हैं तो वैसा ही गरीबों के साथ करना चाहिए। तुम्हारा ख्याल है कि इस जलील काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगा? हाँ, इसके सिवा तुम कर ही क्या सकते हो। मामला बड़ा बेढब है। पत्ते लगाए किसने? तुमने। ये राज 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 कंपनी चलाई किसने? तुमने। तो ले लीजिए अपनी गोल्ड कंपनी और बैंक में जितना रुपया वो भी ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ मन की शांति चाहता हूं, मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहता। सुना, मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहता। तुम समझते हो कि मैं कच्ची गोलियां खेला हूं राज, मैं चाहूं तो तुम्हें यूं खत्म कर सकता हूं। इस बोगस तिब्बत गोल्ड कंपनी की हर शेयर पर तुम्हारे दस्तखत है, मेरे नहीं। और जानते हो तुम्हारी बोगस कंपनी के 50 शेयर मैंने खरीद रखे हैं। सबसे पहले धोखे का मुकदमा तुम पर मैं चलाऊंगा, दफा 420। नो राज, नो, अब तुम इस चक्कर से नहीं निकल सकते। विद्या ठीक है, जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं उस रास्ते पे तुम्हें विद्या की नहीं माया की जरूरत है, माया की। क्यों, तुम तो बड़े बुजदिल निकले, मैदान छोड़कर भागना चाहते, मगर कहां, 2 टके की मास्टरनी के पास। क्या पकड़ी? न जाने तुम्हें उस गंदी चाल में रहने वाली छोकरी में क्या नजर आता है। ऐसी ऐसी सती सावित्रियां बहुत देखती, बाजार में टके की 2 मिलती है। क्या कह रही है? इतनी बेतकल्लुफी मत कर तुम मेरी जान, विद्या देखेगी तो क्या कहे। शैतान, विद्या का नाम लेती, शर्म नहीं आती, जल्द से मार डालूंगा। मार, जितना जी चाहता है मार, मगर अब तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें कोई सती सावित्री नहीं मिलेगी। तुम्हारे लिए उनके दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके, सिर्फ मेरे दिल के दरवाजे खुले हैं। तुम्हें दुख किस बात का है? कल तुम लॉन्ड्री में 45 रुपए के नौकर थे, आज तुम्हारे पास सब कुछ है, रुपया, पैसा,
पहनने के लिए अच्छे कपड़े, घूमने के लिए अच्छी गाड़ियां, रहने के लिए अच्छा मकान, दौलत, इज्जत, शोहरत। दौलत, इज्जत, शोहरत, जिधर जाता हूं उधर ज्वारी, धोखेबाज और 420 कहलाता हूं। एक बात याद रखो राज, 100-200 हजार के चक्कर में रहते हैं वो ज्वारी, धोखेबाज और 420 कहलाते हैं। लोग उन्हें नीच समझ कर धुतकाते हैं। 420 करनी है तो ऊंचे पैमाने पर करो, शेर सोना चंद धर्मानंद की तरह लाखों और करोड़ों की बाजी लगाओ, और फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें 420 कहने, तुम भी शेर सरकार कहलाओ, दानी और धर्म पालक कहलाओ, बड़े आदमी कहलाओ। तुम्हारे जैसा नौजवान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। आज सोना चंद धर्मानंद तुम्हारी अकल और तेजी से अपना उल्लू सीधा कर रहा है। अगर तुम चाहो शेर सोना चंद धर्मानंद को भी चक्कर में डाल सकते हो, तो इसके लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। तुम सच कहती हो, ऐसा ही होगा, ऐसा ही जनता घर बन गए जी। इस वक्त तक 1,14,557 नाम रजिस्टर हो चुके, 1,14,55,700 रुपए। शाबाश राज, तुम तो जीनियस हो, जीनियस। अरे सेठ साहब, मैं किस काबिल, जो कुछ है आपसे तो सीखा है। शोर कैसा, हम लोग हैं ये सब आपके हिस्सेदार हैं सेठ साहब, जिन्होंने आपको 100-100 रुपया दिया है घर बनाने के। कितनी बेचैनी से अपने जनता घर बनने का इंतजार कर रहे हैं, और फिर आज हम कंपनी के बारे में एक नया ऐलान भी तो करने वाले हैं। लोगों में इतना जोश देखकर कभी कभी मुझे डर लगने लगता है। डर? ये तो सारा रुपया वापस कर दूं। जी माफ कीजिएगा, कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं नाम रजिस्टर कराने। उनसे कहिए ऑफिस बंद हो चुका है, कल सुबह आए। हेलो, रुपया लाए हैं जी? तो आने दो, सोना चंद ने रुपया वापस करना नहीं सीखा। फिर आप जाइए अपने कमरे में, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। जल्दी आना, आज रुपये का बंटवारा करना है। जी हा हा, काय मोठा राजवाड़ा है आपला राजता। आओ आओ गंगा माई, और तुम बैठो, बैठो 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 बैठो। क्यों याद है, ये बंबई है मेरे भाई, बंबई। हाँ, अब ये वो बंबई नहीं रहा। सुना है तुम हम जैसे गरीबों बेघरों के लिए घर बना रहे हो, सो फकीर की झोली रखता हूँ तुम्हारे सामने, इसमें 97 रुपए 6 आने और 2 खोटे पैसे, 2 रुपए 10 आने कम दे। भले एक खिड़की कम लगाना, लेकिन घर दे दे मेरे राजा। तुम फिक्र मत करो, 2 रुपए 10 आने तुम्हारी तरफ से मैं डाल दूंगा। बेटा, हम तेरे को आशीर्वाद देने को आया, तू तो मस्करे में मेरे को देवी बोलता होता, पर खरोखर का धर्मात्मा तो तुम है। हम लोग गरीब के वास्ते घर बनाता है, ये ले, 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 ले,
केलं दोनशे आणि 25 रुपये भिक्खू मंगो आणि अब्दुल के जलम भरती कमाई आहे. त्यांचं घर बना दे बाबा आणि याच्यामध्ये काही कमी पडेल तू गेल ये मंगलसूत्र लो ये मेरे सुकरी के शादी में देने का होता पर तुम लो ये समझा पूरा करके इनका वास्ते घर बना दो. और गंगा माई तुम तुम्हें अपने लिए घर नहीं चाहिए हमेशा दूसरों की फिक्र लगी रहती. माला मातारी को घर काहे को बाबा ये छोकर लोग के दार में पड़ा रहेगा पर बार ये काम होइल ना. हाँ गंगा माई तुम जो कहोगी हो जाए. अच्छा तुम ठहरे काम वाले आदमी हम जाते हैं घर जरूर दे देना. भगवान तुला सुखी ठेवल बेटा. तैयार हो जाओ राज मैंने सारा इंतजाम कर लिया है हम यहां से जा रहे हैं. मैं यहां से जा रहा हूं बहुत दूर जा रहा. तो फिर सेठ से पैसे निकालो मैं बैग लाई. हाँ ठीक है. वो लोग कितनी बेचैनी से बंटवारे का इंतजार कर रहे सेठ सोना चंद धर्मानंद उनके साथ ही उन्होंने तुम्हारे लिए पूरा इंतजाम कर दिया है. तुम्हें सिर्फ 20,000 रुपए मिलेंगे और एक हवाई जहाज का टिकट और उसके बाद ये कहा जाएगा कि राज पब्लिक का रुपया लेके भाग गया है. फिक्र मत करो मैंने भी तुम्हारे लिए सारा इंतजाम कर दिया है. लाओ ये बैग मुझे दे दो. मैं अंदर आ सकती विद्या. मैं आपसे विद्या. तुम सुना है तुम घर बना रहे हो तो क्या तुम्हें भी घर चाहिए. मैं क्या करूंगी घर लेकर. घर तो घर वाले से बनता है गृहस्थी से बनता है. तो फिर यहां क्या लेने आई हो देवी जी देखती नहीं हम बिजी हैं. मैं तुम्हें एक भेंट देने आई. ये लो तुम्हारा ईमान जिसे तुम गिरवी रखाए थे शायद तुम्हारे काम है. ईमान सोने के मेडल को ईमान कहती हूं. बाजार में 80 रुपए तोला मिलता है जो बिकता है वो ईमान नहीं. क्या देख रहे हो राज लाओ ये बैग मुझे दो चलो चले यहां से. ये रुपया तुम्हारा नहीं. ये तो मैं भी जानती हूँ ये रुपया तुम्हारा है. ये रुपया मेरा भी नहीं है. फिर ये सारा रुपया सुना चल कैसी बातें करते हो राज. देखो देखो ये रहे हमारे पासपोर्ट ये है हवाई जहाज की टिकट टैक्सी बाहर खड़ी और घंटे भर में हवाई जहाज उड़ने वाला. और फिर हम हिंदुस्तान की सरहद से बहुत दूर होंगे जहां पे ना पुलिस तुम्हारा पता लगा सकेगी और ना धर्मानंद. पुलिस से भी निकल कर भाग सकता हूँ सोना चंद की नजरों से भी छुप सकता हूँ मगर अपने आप से छुटकारा कैसे पाऊंगा. हट जाओ राज. रुपया लेकर भागने की कोशिश हो रही है. तुम्हारे बाहर निकलने के सब दरवाजे बंद हैं. आप लोगों को ये रुपया चाहिए ना. ऑफ कोर्स बंटवारा करना है. 1,14,55,900 रुपए 10 आने और 2 खोटे पैसे जो आते से किसी दयालु ने दिए. एक मंगलसूत्र जिसमें किसी लड़की के दुल्हन बनने के सपने. इन चीजों का बंटवारा कैसे करेंगे आप लोग. और अगर इनका बंटवारा कर सकते हैं तो ये लीजिए. ये
दिखाना या भूल भुलैया। से तो आपके सेठ साहब। बकवास बंद करो और रुपया मेरे हवाले करो। इतनी सी बात के लिए आप लोग झगड़ रहे हैं क्या? रुपया चाहिए ना तो ये लीजिए। सुना है इंसान पहले बंदर था लेकिन पैसे की लालच ने उसे कुत्ता बना दिया। कुत्ता ये तो कहाँ है? रुपया कहाँ है? रुपया कहाँ है? भाई बाप अया लगोगे भोगोगे रुपया की तरह। ये सब तो रद्दी कागज है। जिन नोटों के लिए आप एक दूसरे से भूखे भेड़ियों की तरह लड़ रहे थे वो भी तो रद्दी कागज है। कागज और बिल्कुल रद्दी। मगर इन रद्दी कागजों के लिए आप क्या कुछ नहीं करते। बोगस कंपनियां आप चलाते हैं, काला बाजार आप करते हैं, इंश्योरेंस का रुपया लेने के लिए अपने कारखानों में आग आप लगाते हैं। राज अब मैं बाहर जा रहा हूं सेठ, और मेरे साथ आपके धोखे और 420 के सारे सबूत भी बाहर जा रहे हैं। आज भरे बाजार में मैं आपका भांडा फोड़ने वाला हूं। आज सारी दुनिया को मालूम होगा कि समाज सेवक, धर्म पालक, दानी और दयालु सेठ सोनाचंद धर्मानंद का असली रूप क्या है। नहीं है
अपराधी तुम हो। क्या भक्ति है, जानती नहीं किससे बात करती है? नॉनसेंस। बराबर बराबर बोलती है छोकरी। मेरा छोकरा चोर ना भंगा न होता, चोर ना भंगा तुम्हें। बुढ़िया मुंह संभाल के बात कर, तुम्हारा राज कितना बड़ा शरीफ है अभी मालूम होता है। आने दो पुलिस को। गोली किसने चलाई? मैंने। आप मुझे पहचानते होंगे? जी हाँ, सेठ सोनाचंद धर्मानंद। तो आप ये भी जानते होंगे कि मेरा प्रथम मानव धर्म है जनता की सेवा। यह आदमी जनता का 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपया लेकर भाग रहा था, इसलिए जनता की खातिर मुझे इस पर गोली चलाना पड़ी। अगर इसको आप जुर्म समझते हैं तो आप मुझे फांसी दे सकते हैं। प्यारी जनता की खातिर मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। इतना बड़ा झूठ मत बोलिए शेख साहब, जिसे सुनकर मुर्दे भी जिंदा हो जाए। राज बुरे नहीं नहीं शेख साहब, जिंदगी बड़ी 420 है, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। और फिर शायद आप ये भूल गए कि बैग में रिवॉल्वर मैंने डाला था, रिवॉल्वर में गोलियां भी मैंने ही डाली थी। ये सब क्या तमाशा है? तुमने मरने का ढोंग रचाया था क्या? इंस्पेक्टर साहब, इस औंधी दुनिया में जिंदा रहने के लिए कभी कभी मरना भी पड़ता है। और फिर सेठ साहब ने मेरे लिए पूरा इंतजाम कर दिया था, 1-2 नहीं पूरी 6 गोलियां चलाई। भागते हुए चोर को रोकने के लिए सिर्फ 1 ही गोली काफी होती है, फिर एक निहत्ते आदमी पर 6 गोलियां किस लिए? जनता की खातिर सेठ साहब, या उनके 1.5 करोड़ रुपए की खातिर? रुपया? ये रुपए का क्या मामला है? यही तो मैं कहता हूँ, जनता का रुपया वही है जहाँ जनता ने दिया था। जी हाँ, ये रही चाबी, और ऊपर के ऑफिस में एक सेफ है, उनका सारा रुपया ले आइए। मगर इन लोगों से पूछिए कि जनता के रुपए से इनको क्या दिलचस्पी है। ऊपर से रुपया ले आइए और साथ में मिस्टर राज को भी। चलिए सेठ जी, आप लोगों को मेरे साथ थाने चलना होगा। इन भले लोगों की शक्लें अच्छी तरह से देख लीजिए, ये बड़े शरीफ लोग हैं, इज्जत वाले हैं, धन वाले हैं, और इनकी गिनती 1, 2, 10, 50 नहीं, ये पूरे 420 है। 420 नहीं, श्री 420 है। और अब आप अपने आप को भी देख लीजिए, कौन कहता है कि आप गरीब हैं, बेकार और बेघर हैं? आज आप में से हर एक के पास 1,70,00,000 रुपया है। ये वही रुपया है जो मैंने आपको जनता घर का सब बाग दिखाकर जमा किया। मैं आपको धोखा देना नहीं चाहता था, आप लोगों को इकट्ठा करना चाहता था। अगर आप चाहें तो अपना 100-100 रुपया वापस ले सकते हैं, मगर मेरी मानिए तो अपनी दौलत को यूं लुटाइए नहीं, अपनी ताकत को घटाइए नहीं। 100-100 रुपये में कभी किसी का घर नहीं बन सकता, मगर 1.5 करोड़ रुपये में लाखों घर बन सकते हैं। अगर आप अपनी गवर्नमेंट से जाकर ये कहें कि ये रहा 1.5 करोड़ रुपया और हम लाखों आदमी की हिम्मत और मजदूरी है, हमें जमीन दो, हम अपने घर खुद बनाएंगे। और अब आप सब मुझे भी गौर से देख लीजिए, मैं भी आप में से एक था। जब मैं बंबई आया था मेरे पास सब कुछ था, ईमान था, शिक्षा थी, उम्मीदें थी कि एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा, मेरा घर होगा, गृहस्थी होगी, मेरे बच्चे बड़े होकर स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने जाएंगे। मगर रुपए की लालच में मैंने सब कुछ खो दिया और आज मेरे पास कुछ भी नहीं, सिवा पछतावे। मगर भला उसका जिसने मुझे इस लालच और बेईमानी के अंधे कुएं में गिरने से बचाया, जिसने मुझे यह बताया कि गरीबी और बेकारी का इलाज 420 नहीं, उसका इलाज है हिम्मत और मेहनत, उसका इलाज है सारे देश की तरक्की और जनता का एका। भला उसका, मुझे सिर्फ आपसे इतना ही कहना है, जो गलती मैंने की है वो आप मत कीजिएगा। चलिए मिस्टर राज, चलिए। Thank you.
चलो बेटा चापानी चलो। निकल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। जाए हम सैलानी जैसे इत्र या तूफानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल।